दोस्तों GTA 5 हमें से बहुत से लोगों का फेवरेट गेम होगा क्योंकि इस गेम में हमें कहीं भी जाने की आज़ादी होती है और इसके ग्राफिक तो कमाल के है ही। लेकिन इस गेम की खास बात यह है कि इस गेम को रियल लाइफ की बहुत सी लोकेशंस को देखकर बनाया गया है। आप में से बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप GTA 5 में लॉस एंजेलिस में घूमते हो तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसे लॉस एंजेलिस के बहुत से रियल लाइफ लोकेशंस को देखकर बनाया गया है। ये GTA 5 लोकेशंस रियल लाइफ की लोकेशन से बिल्कुल ही सिमिलर हैं। इसलिए अगर आप भी एक GTA 5 के फैन हो तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक के देखते रहना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10, लॉस सैंटोस गोल्फ क्लब। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिच मैन के लॉस सैंटोस गोल्फ क्लब के बारे में। ये GTA 5 में एक बड़ा सा मेंशन है जिसके सामने एक बड़ा सा गोल्फ यार्ड होता है। बहुत से लोगों ने तो इस मेंशन को इस गेम में खरीदा भी होगा जिसकी कीमत 150 मिलियन डॉलर्स होती है। अब जरा रियल लाइफ की इस लोकेशन को देखिए। इस लोकेशन का नाम लॉस एंजेलिस कंट्री क्लब है और असल में भी ये एक गोल्फ क्लब ही है, जिसे कि आप GTA 5 की और इस रियल लाइफ की लोकेशन को देख सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल ही सेम है। नंबर 9, माइकल्स हाउस। दोस्तों माइकल GTA 5 के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक हैं और अगर आप GTA 5 के फैन हो तो आपने माइकल का हाउस जरूर देखा होगा, जिनमें ऑफलाइन मिशंस में माइकल का हाउस आपको शुरुआती मिशंस में ही देखने को मिल जाता है। लेकिन शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि माइकल का हाउस रियल लाइफ में मौजूद हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, माइकल का ये हाउस भी रियल लाइफ में मौजूद है और जैसे कि इस गेम को लॉस एंजेलिस सिटी से इंस्पायर होकर बनाया गया है तो ये घर भी लॉस एंजेलिस में ही मौजूद है। आप इस घर के डिजाइन को देख सकते हो कि इस घर के डिजाइन के साथ साथ इस घर का आइकॉनिक गेट भी बिल्कुल सेम डिजाइन किया गया है। नंबर 8, ओपियम नाइट्स होटल। ओपियम नाइट्स होटल लॉस एंटोस के 14 स्टोरी 4 स्टार होटल है। GTA 5 में मिशंस करते हुए आपको कई बार इस लोकेशन पर आना पड़ता है और शायद आप में से बहुत से लोग इस लोकेशन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन अब जरा इस बिल्डिंग को देखिए, ये लॉस एंजेलिस के शेरेटन गेटवे होटल है और ये भी रियल लाइफ में एयरपोर्ट के पास ही मौजूद है। और जो लोग इस बिल्डिंग को GTA 5 में जानते हैं वो ये बात भी जानते ही होंगे कि ये होटल भी लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही बनी हुई है। नंबर 7, हिल वैली चर्च। हिल वैली चर्च रूट 68 पर लोकेटेड है और इसका रोड माउंट वाइनवुड ड्राइव से मिलता हुआ है। अब जरा इस रियल लाइफ के चर्च को देखिए। इस चर्च का रियल नाम पीरू यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च है जो कि कारपेंटर गोथिक स्टाइल में बना हुआ है। इसे 1888 में डेविड क्लब कुक नाम के एक आदमी ने बनवाया था। ये वही आदमी है जिन्होंने पीरू टाउन को फाउंड किया था और ये चर्च अभी भी पीरू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। नंबर 6, लॉस सैंटोस बैग कंपनी। दोस्तों ये वेयरहाउस एक रैंडम बिल्डिंग है जो कि गेम की पॉपुलर स्ट्रीट पर बना हुआ है। लेकिन रॉकस्टार ने अपने गेम में कुछ भी काम को टला हुआ नहीं है। इन्होंने GTA 5 में जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर बिल्डिंग्स को बनाने की कोशिश की है और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इन्होंने ये रैंडम वेयरहाउस भी अपने मन से नहीं बनाया, इन्होंने ये भी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर ही बनाया है। जैसे कि आप लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया के साउथ वेस्टर्न बिग कंपनी को देख लीजिए। इसे देखकर आप यही कहोगे कि ये तो बिल्कुल लॉस सैंटोस बिग कंपनी की तरह दिखाई दे रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है। इन्होंने साउथ वेस्टर्न को हटाकर लॉस सैंटोस नाम रखा हुआ है। आगे की बैग कंपनी तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है और इस वेयर हाउस का डिजाइन और कलर भी इन्होंने अपने गेम में बिल्कुल सेम कॉपी किया हुआ है। नंबर 5, CNT बिल्डिंग। CNT बिल्डिंग GTA 5 और GTA ऑनलाइन की एक हाई राइज बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग गेम में क्लिंटन एवेन्यू वाइनवुड हिल्स पर बनी हुई है। ये लॉस सैंटोस का CNT टेलीविजन का एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर होता है। वेल रियल लाइफ में ये एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जो कि लॉस एंजेलिस के हॉलीवुड में बनी हुई है। दोस्तों क्योंकि एक प्राइवेट बिल्डिंग है इसलिए इस गेम में से थोड़ा चेंज करके दिखाया गया है, जैसे कि थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस और इस बिल्डिंग का फेस दूसरी तरफ दिखाया गया है। साथ ही इसका नाम CNN से CNT कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग रियल लाइफ के बिल्डिंग से बहुत ही सिमिलर है। नंबर 4, मिरर पार्क। मिरर पार्क GTA 5 और GTA ऑनलाइन का एक नॉर्मल पार्क होता है जो कि लॉस सैंटोस के ईस्ट वाइनवुड में लोकेटेड है।
इस मिरर पार्क के आसपास का इलाका मिडिल क्लास बताया गया है। यहाँ के घरों का साइज एवरेज होता है और कुछ घरों को इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन भी बताया गया है। अगर आप भी इस लोकेशन को रियल लाइफ में देखना चाहते हो तो ये लॉस एंजलिस के इको पार्क में देखने को मिल जाएगा। GTA 5 ने ये लोकेशन इको पार्क और सिल्वर लेक को देखकर बनाई हुई है, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती है। नंबर 3, कोरियन पवेलियन। कोरियन पवेलियन एक ट्रेडिशनल रेड एंड ग्रीन स्मॉल गार्डन है, जो कि साउथ रॉकफोर्ड ड्राइव, लिटिल सियोल डिस्ट्रिक्ट, लॉस सैंटोस में बना हुआ है। ये लोकेशन बिल्कुल हूबहू रियल लाइफ में मौजूद है। ये लोकेशन कोरियर टाउन लॉस एंजलिस में मौजूद है, जिसका नाम रियल लाइफ में भी कोरियन पवेलियन ही है। ये लॉस एंजलिस का एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है, जिसे डावुल जंग नाम से भी जाना जाता है। अगर आप GTA 5 और रियल लाइफ की कोरियन पवेलियन को देखो तो आपको इनमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। नंबर 2, वाइनवुड साइन। लॉस एंजलिस का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सा साइन दिमाग में आ जाता है, जो कि लॉस एंजलिस की पहचान बनी हुई है। और यह साइन लॉस एंजलिस की माउंटली पहाड़ियों पर बना हुआ है। इस हॉलीवुड साइन को आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, लेकिन लॉस एंजलिस के रहने वालों का ये मानना है कि लॉस एंजलिस सिर्फ हॉलीवुड के साइन की वजह से फेमस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस शहर में ऐसी कई चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। लेकिन अगर GTA 5 की बात करें तो इन्होंने इस गेम में हॉलीवुड साइन को थोड़ा मॉडिफाई करके हॉलीवुड को वाइनवुड कर दिया है। रियल लाइफ की तुलना में पहाड़ी की दिशा थोड़ी अलग है, क्योंकि रियल लाइफ में लॉस एंजलिस का उत्तरी हिस्सा ऊपर की ओर घूमता है और शहर का दक्षिणी आधा हिस्सा इसके पूर्व तक फैला हुआ है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस गेम में पहाड़ी और हॉलीवुड साइन को बनाया है, वो साइन बिल्कुल ही सिमिलर लगती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक दोनों लॉजिक बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको डेली मिल सकें। नंबर 1, गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी। गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी भी GTA 5 की एक बहुत ही फेमस लोकेशन है और ये वाइनवुड हिल्स के बीच में बनी हुई है। GTA 5 के कई मिशंस करते हुए आप इस लोकेशन पर जरूर आए होंगे, लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी को ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये ऑब्जर्वेटरी भी रियल लाइफ में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मौजूद है। GTA 5 में इसे गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी नाम दिया गया है, जो कि गैलीलियो गैलीली नाम के एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर के नाम पर रखा गया है। अगर आप GTA 5 की गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी और रियल लाइफ की ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी को देखो तो आप ये देख ही सकते हो कि ये दोनों लोकेशन बिल्कुल ही सेम है, चाहे इस बिल्डिंग का डिजाइन हो या सामने का गार्डन एरिया। GTA 5 ने सब कुछ बिल्कुल हूबहू बनाया है। दोस्तों, GTA 5 में आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।